तो ओबीसी उनको चाहिए तो जरूर, ओबीसी के बगैर उसका काम नहीं चलेगा, इसलिए ओबीसी के कुछ मुद्दों पर वो थोड़ा झुकते हुए या थोड़ा सा आउटरीच करते हुए कुछ देते हुए वो दिखना चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं दे देंगे कि कोर हिल जाए, मतलब बुनियाद नहीं हिलाएंगे, ऊपर वो कुछ फूल पत्ते टांग देंगे, मतलब थोड़ा सजा देंगे, तो इससे भारत का नुकसान हुआ ना भाई, आधी आबादी का जब विकास ही नहीं हुआ तो देश का क्या विकास होगा, झंडा ऊंचा थोड़ी करना है। पहला दुनिया का साम्राज्य जो शूद्र ही बनाया था, कोई जनौधारी नहीं बनाया था सम्राट अशोक, कि जब से संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तभी से उसकी खत्म करने की प्रक्रिया वाले लोग भी पैदा हो गए। जिस दिन खाली नेता ठीक हो जाए ना, तो हमारा फॉलोइंग, हमारा इंटरव्यू लगाइएगा तो 20,000 लोग देखेगा। यही बात अगर यहाँ के नेता बोलेंगे, अध्यक्ष बोलेंगे पार्टी के, तो करोड़ों लोग सुनेगा। तो हमारे नेता अभी विष्णु का मंदिर बनवाने में और परशुराम का मंदिर बनाने में रेस लगाए हुए हैं कि सबसे लंबा कौन बनाएगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज दो बड़ी बैठकें हुई हैं, एक संविधान बचाओ और दूसरा ओबीसी की जाति जनगणना कराओ। मेरे साथ समाज वैज्ञानिक, इतिहास के प्रोफेसर प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं, दिलीप मंडल जी भी हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। सर रुक जाइए, अब शुरू हो गई है सर। क्या लग रहा है सर, ये पूरे बदलाव को कैसे देख रहे हैं, कुछ उम्मीद जग रही है, अभी लड़ाई लंबी है? नहीं, उम्मीद तो जगेगी ही जगेगी, हम लोग तो आशावादी लोग हैं, न भाग्यवादी हैं न निराशावादी हैं। तो परिवर्तन अपने आप तो आता नहीं है, परिवर्तन तो धक्का मारना पड़ता है ना, तब परिवर्तन आता है। और आप देखिए, मैंने आज एक बात कही है दोनों प्रोग्राम में, कि जब से संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तभी से उसकी ख़त्म करने की प्रक्रिया वाले लोग भी पैदा हो गए। आरएसएस, हिंदू महासभा, जिनको मनुस्मृति लगाना था, आप देखेंगे, और जो संविधान बनी तो संविधान को जलाने वाले, फाड़ने वाले, अंबेडकर का पोस्टर फाड़ने वाले भी कौन लोग थे आप जानते हैं। तो संविधान खतरे में है ये समझाना, खतरे में ऑलरेडी हो चुका है, उसके सारे पन्ने अंदर से जो है ना ये सब फाड़ चुके हैं। उसी तरीके से जब मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुआ और 2006 में जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू हुआ और ओबीसी की जैसे जैसे चेतना लगा, तो पंडित जी को सब पता होता है ना कि जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ लेगा वैसे बुद्धि हो जाएगा इसको, अब बुद्धि हो जाएगा तो हर समय तर्क करेगा, तो निजीकरण भी एक ही साथ आया, ठीक। और निजीकरण आया तो क्या हुआ, सरकारी संस्थाओं को धीरे धीरे या तो मार दिया गया, नेचुरल डेथ की ओर ले गया गया, या फिर उसको ऐसा कर दिया उसका कोई मतलब ही न रहे। तो क्यों, क्योंकि सरकारी संस्थाओं में SC ST OBC के ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, जब तक इनको पैसे पे, सरकार के पैसे पे, करदाताओं के पैसे पर, करदाताओं के पैसे पर अपने बच्चों को पढ़ाना था, तो चार जनरेशन उन्होंने सरकारी व्यवस्था ठीक रखा, जैसे आपकी बारी आई वैसी सरकारी व्यवस्था का ख़त्म कर दिया पूरा। तो इसलिए थोड़े बहुत जो लोग आए हैं, देखिए आज कितना कारवा बन गया, हम लोग को याद है 90 के दशक में या फिर 2000 तक के दशक में। इस बदलाव से संतुष्ट हैं, खासकर अगर अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करें तो क्या लग रहा है, वो 27% उनको आरक्षण है, 60% के करीब उनकी संख्या है, ओबीसी सुधरने से कम्युनल वायलेंस और कास्ट वायलेंस दोनों कम हो जाएगा, तो वो बदलाव दिख रहा है? डेफिनेटली, यहाँ आप इंटरव्यू ले रहे होंगे तो सब लोग ये बात जरूर बोला होगा कि हम हिंदू मुसलमान के खेल में नहीं फंसेंगे। और इसमें हम एक बात और बताना चाह रहे हैं, जैसे स्टालिन ने साउथ में किया है ना, कि अल्टरनेटिव पूरा आइडियाज़ के साथ काम कर रहा है, उत्तर भारत के नेता, जिस दिन खाली नेता ठीक हो जाए ना, तो हमारा फॉलोइंग, हमारा इंटरव्यू लगाइएगा तो 20,000 लोग देखेगा। यही बात अगर यहाँ के नेता बोलेंगे, अध्यक्ष बोलेंगे पार्टी के, तो करोड़ों लोग सुनेगा। तो हमारे नेता अभी विष्णु का मंदिर बनवाने में और परशुराम का मंदिर बनाने में रेस लगाए हुए हैं कि सबसे लंबा कौन बनाएगा, सबसे बड़ा कौन। लेकिन मोदी जी तो महीन खेल रहे हैं, 27 OBC का मतलब मोदी जी को ज्यादा समझ है कास्ट की, 27 ब्राह्मण को जो है बना दीजिए मिनिस्टर, ओबीसी को हटा दीजिए, लेकिन जितने संस्थान हैं, जितने हर जगह उनका प्रतिनिधित्व दीजिए ना, सिंबॉलिक लेके क्या करेंगे, काहे पड़े हुए हैं, जज बनना है, वाइस चांसलर बनना है, शूद्रों का काम है, अछूतों का काम है, सिस्टम से बाहर रहना। इतिहास जानते हैं भारत का इतिहास जानते हैं। पहला दुनिया का साम्राज्य जो है शूद्र ही बनाया था, कोई जनौधारी नहीं बनाया था सम्राट अशोक, हाँ, इससे ज्यादा नहीं, और पूरा इतिहास बढ़ा देंगे। लोग तो आपके अपने पूर्वजों को जान नहीं रहे हैं ना, वो तो कहीं और गए हुए हैं, बहुत को अशोक को जान नहीं रहे, बहुत बहुत जो है बहुत लंबे समय तक उनको पता था कि मामला ओबीसी में ही है लटका हुआ, तो जान बुझ के फोर्स करके लंबे समय तक सारे संस्थानों से धीरे धीरे जनऊ में फंसा के, धीरे धीरे टानते टानते, नहीं मतलब अपने इधर मतलब टान रहा है पूरा,
तो टांते टांते हजारों साल में साइडलाइन कर दिया। चलिए बात करेंगे, अच्छा टॉपिक छोड़ा है कि सम्राट अशोक को लेकर कितने लोग अनुभवी गए हैं। क्या लग रहा है सर आपको, लग रहा है वो ओबीसी जग रहा है, जग गया है? आज आज की जो सभा हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हाँ ओबीसी में एक नई जागृति है और ये जागृति 5 साल बाद भारत का इतिहास बदल देगी। ये जागृति जो आज प्रोफेसर रतन लाल जी ने एक बात कही है, देयर शुड बी कल्चरल शिफ्ट इन द ओबीसी, एक बहुत बड़ी बात कही है कि जब ओबीसी ब्राह्मणवाद को छोड़ेगा। अगर आज की सभा में अभी तो अभी, अभी, अभी जांच कर देते हैं, थर्मामीटर मेरे पास ही रहता है। क्या नाम है भाई साहब? मैं विप्लव साहब। तो ये फूले की टोपी है जी। फूले साहब ने क्या कहा है खासकर कर्मकांड के लिए? उन्होंने कहा है कि इन चीजों को छोड़े बिना हमारा समाज जो है डेवलप नहीं करेगा। तो आपने छोड़ा या अभी सिर्फ टोपी लेके घूम? नहीं मैंने तो छोड़ दिया है, 10 साल हो गया मैंने। पक्का ओबीसी? पक्का ओबीसी हूँ मैं, छत्तीसगढ़ से हूँ। जाति नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है। आप कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। आप भी ओबीसी हैं? ओबीसी साहू हरीश। क्या करते हैं? मैं मतलब लेक्चरर हूँ आईटीआई में। बताइए, देखिए जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक हक अधिकार। आपका क्या नाम है? ओबीसी हेमराज सिंह है, मध्य प्रदेश से सागर जिला अध्यक्ष है और हम मूल निवासी संघ से जो कैडराइज का काम चलता है और वो सारे कैडर लेके उसके बाद हम लोग लड़कों को भी इकट्ठा करके। देखिए 90% मुसलमान ओबीसी में आता है, ये बात मुसलमानों को पता है? हाँ सर बिल्कुल पता है सर हमें। नाम बताइए। मेरा नाम शादाब खान है, मैं ही दिल्ली में वकील हूं। ओबीसी के लोग 90% ओबीसी में है, मुस्लिम कैटेगरी के लोग? हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन आप लोग तो नहीं आरक्षण के पक्ष में आंदोलन चला रहे हैं? सर बिल्कुल चला रहे हैं सर, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, हम एस सी एस टी ओबीसी माइनोरिटी के काम कर रहे हैं, इनके आरक्षण पे काम कर रहे हैं सर। हमने गुजरों का सबसे बड़ा अभी सम्मेलन करवाया दिल्ली में। एक और लड़का है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। ये तो आप इसमें कार्यकर्ता है? हाँ मैं ओबीसी में हूँ। कहाँ का रहने वाले? मैं एमपी से सागर का रहने वाला हूँ। और हमारे फूले साहब की बात को मानते हैं? हाँ मानते हैं। ये देखिए, और सबसे ज्यादा जो जिन लोगों ने एससी एसटी ओबीसी की बात को बढ़ाया है दिलीप मंडल साहब हैं। मंडल साहब आप संतुष्ट हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की जो एक सोच थी कि जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको सोशली और पोलिटिकली अवेयर करना पड़ेगा, वो क्या लग रहा है सोशल मीडिया की वजह से वो ज्यादा वो बात हुई है उनसे? नहीं तो इसमें देखिए एक तो चीज बहुत स्पष्ट है कि बाबा साहब ने एक इस्तीफा लिखा जब वो कैबिनेट से बाहर हुए, नेहरू कैबिनेट से। उस इस्तीफा को पढ़ लीजिए, उसमें दो मुख्य वजह है, एक तो महिलाओं के अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ और दूसरा जो ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 लागू किया गया था उसको नेहरू कैबिनेट ने लागू नहीं किया। तो ओबीसी के लिए अधिकार के लिए जो आदमी इस्तीफा देता है, जो उसका मुख्य कारण बताता है कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप पिछड़े वर्गों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है ये 1 साल के आसपास समय हो गया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप समझिए कितना अर्जेंसी थी, वो ये उस समय हो जाना चाहिए, वो काम 75 साल पहले। हाँ, और उस काम को करने में देखिए लग गया कब जाके ये ओबीसी मतलब मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू हुई जाके कब, 1990 में, और कोर्ट में फंसता जाके 1993 में, और शिक्षा में आरक्षण लागू हुआ जाके 2006 में और वो भी कोर्ट में फंसता लागू हुआ 2008 में। तो बाबा साहब जो सपना देख रहे थे 1951 में, कितना डिले है, कितना बैकलॉग है और उस बीच में कितने ओबीसी का कितना नुकसान हो गया। वो ओबीसी उस समय डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, अपना नर्सिंग होम खोलता, विदेश जाता, ये आईटी रिवॉल्यूशन में ओबीसी बाहर रह गया। आईटी में समझिए कि आईआईटी में आज जैसे है कि 27% ओबीसी आईआईटी में है, वो आज अगर ये आईटी रिवॉल्यूशन हो रहा होता तो ये सब विदेश जाते और ज्यूडिशियरी ब्यूरोक्रेसी एक 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 आदमी 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा होता। तो ये पूरी ट्रेन कैसे छूट गई, ये जो ओबीसी का मामला पेंडिंग करते चले गए हैं तो इससे भारत का नुकसान हुआ ना भाई। आधी आबादी का जब विकास ही नहीं हुआ तो देश का क्या विकास होगा, झंडा ऊंचा थोड़ी करना है। सब्जी कौन बेचेगा, ठेला कौन चलाएगा, कास्ट एट्रोसिटी में कौन शामिल होगा, मुसलमानों को मारने के लिए कौन रहेगा? तो विकसित देशों में ऐसा तो नहीं कि सब्जी नहीं बेची जाती है, मतलब अगर विकसित हो जाएगा तो हिंदू मुस्लिम में लाठी कौन उठाएगा सर? तो लाठी कौन उठाएगा, ये जिनकी चिंता है वो लाठी उठवाएं, लेकिन जो लोग लाठी उठवाना नहीं चाहते हैं और आईआईटी में पढ़वा के और बच्चा आप पर आरोप है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सबको बिगाड़ रहे हैं, आप तो मतलब कर्मकांड को खत्म करने नहीं, मतलब पर्याप्त नहीं बिगड़ा इसकी मुझसे शिकायत है, मुझसे अभी तक मैं पर्याप्त नहीं बिगाड़ पाया हूँ, जितना बिगाड़ना था उतना शायद मैं नहीं बिगाड़ पाया हूँ, ये मेरी शिकायत है मुझसे थोड़ा और ज्यादा बिगाड़ने चाहिए। अब धर्मेंद्र भाई हैं और तो सारे मतलब मित्र लोग हैं, एक यूनिटी बनती दिख रही है, कैटेगरी के आधार पे कंसिस्टेंटली यूनिटी बनती दिख रही है एससीएसटी ओबीसी माइनॉरिटी। एससीएसटी ओबीसी के बीच में कॉमन थ्रेड जो बन गया है ना इस समय, जो वो है कि आपको अपना रिजर्वेशन बचाना है, यहाँ पर कोई मतभेद कम से कम इन कम्युनिटीज में नहीं, और आरक्षण पे चूंकि सबसे ज्यादा हमला हो रहा है तो इनकी यूनिटीज बन जा रही है। एससीएसटी एक्ट का सवाल जब आया था तो एससीएसटी एक्ट लगता तो ओबीसी पे भी है, लेकिन एससीएसटी एक्ट के खिलाफ जब आंदोलन हुआ
तो ओबीसी ने क्यों साथ दे दिया? ओबीसी के आदमी के साथ ने तो कहीं लाठी नहीं उठाई एससीएसटी के खिलाफ। भाई जो आदमी ओबीसी का एससीएसटी के खिलाफ दुर्व्यवहार करेगा, मुकदमा हो रहा है, इसके बाद ओबीसी के किसी संगठन ने एससीएसटी एक्ट पर जब दलित लोग सड़क पे आए तो सारे लोगों ने समर्थन नहीं किया ना, यूपी में वरना कैसे सफल होता? आपको ग्वालियर से लेकर सब जगह ओबीसी ने, ओबीसी के साथ तो कहीं लाठी नहीं चली ना, गोली चलाई किन किन लोगों ने उस पर? सवर्णों ने गोली चलाई ना। ये भी एक मिथ करा गया है कि ओबीसी का इस्तेमाल होता है सांप्रदायिक दंगों में और जातीय हिंसा। ये जो रोस्टर, जब ये नरेंद्र मोदी ने रोस्टर ला के यूनिवर्सिटी शिक्षकों की नियुक्ति में जब ओबीसी आरक्षण और एससीएसटी आरक्षण खत्म करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें आपको नहीं दिखा कि एससीएसटी ओबीसी तीनों साथ में खड़ा था? पृथ्वी मीणा, अच्छा माइनॉरिटी भी, तीनों क्यों खड़े थे उसमें? माइनॉरिटी भी 90% ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, यहाँ तक कि सिख समाज के लोग भी ओबीसी में आते हैं। इस पर डिस्कोर्स नहीं हो रही है? नहीं, इस पर डिस्कोर्स इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि भारत में बीजेपी और आरएसएस जो है वो हिंदू मुस्लिम का तापमान इतना बढ़ा के रखती है कि मुसलमानों के अंदर जो पिछड़ापन है वो सवाल पीछे रह जा रहा है। वरना ये सवाल अगर वहां से भी आ जाए तो वो एक 90% मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी से है, निश्चित रूप से। आप लोग को पता है ये बात, 90% मुस्लिम भी ओबीसी कैटेगरी? जी जी, मान जानकारी में है कि जो माइनॉरिटी लोग हैं वो ओबीसी वर्ग में आता है। पसवंता जी मुसलमानों का जो संगठन है वो भी इसमें हमारे में शामिल है, हमारे यहाँ गुर्जर समाज से है। मैं राष्ट्रीय कैडर प्रभारी हूँ ओबीसी महासभा में, पूरे देश में जो है कैडर देने का काम करता हूँ ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं को। सर लेकिन ये जो ओबीसी की राजनीति है इसको प्रधान मोदी जी बहुत अच्छा समझ रहे हैं, उन्होंने मोदी ओबीसी क्लेम भी किया है, 27 लोगों को खड़ा कर दिया। क्या लग रहा है जो ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां शेड्यूल की समस्या क्या है? नरेंद्र मोदी जिस पार्टी है जिस विचार के हैं उसमें ओबीसी को कुछ नहीं देना चाहिए क्योंकि ओबीसी को दे देंगे तो जो उनका सवर्ण है उसको क्या देंगे? मतलब जगहें तो उतनी है ना, वही 100 कुर्सी है, उसमें से अगर वो अपर कास्ट में देंगे तो उनका कोर हिल जाता है, तो देना तो उन्हीं को है। लेकिन आप देखिए उनका उनका गणित कहाँ गड़बड़ होता है। लगभग इस देश का जो 14-15% मुसलमान है वो उनका वोटर नहीं है, दलितों को लेकर उनको भरोसा नहीं कि देगा कि नहीं देगा, 16-17% वो हैं, आपको 8-9% ट्राइबल स्कूलों का भरोसा नहीं, तो पॉलिटिक्स कैसे होगी? एक सीट पर अगर 40-50% आबादी पहले से तय होगी कि ये हमको वोट नहीं देगा तो सिर्फ सवर्णों से सरकार बन नहीं सकती। तो ओबीसी उनको चाहिए तो जरूर, ओबीसी के बगैर उसका काम नहीं चलेगा, इसलिए ओबीसी के कुछ मुद्दों पर वो थोड़ा झुकते हुए या थोड़ा सा आउटरीच करते हुए कुछ देते हुए वो दिखना चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं दे देंगे कि कोर हिल जाए, मतलब बुनियाद नहीं हिलाएंगे, ऊपर वो कुछ फूल पत्ते टांग देंगे, मतलब थोड़ा सजा देंगे। ये दिलीप मंडल साहब है, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने 50 करोड़ इनको फॉलो कर लिया, इस देश में किसी SC ST ओबीसी माइनॉरिटी को अखबार TV की जरूरत नहीं रहेगी। शुक्रिया। और ये तमाम लोग हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओबीसी की एक बड़ी बैठक हुई है और रिजर्वेशन को लेकर। एक बात तो है, जो फूले पेरियार अंबेडकर ने सपना देखा था वो सपना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ओबीसी के जो आने वाले युवा हैं, नस्लें हैं, वो सोशल मीडिया से खुद को मजबूत महसूस कर रहे हैं और वो अपने हक अधिकार, खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, पढ़ाई लिखाई रोजी रोटी, उसको लेकर सचेत हो रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ओबीसी सचमुच बदला है और काम करने की जरूरत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। करण आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।